सहरसा में बिहार बोर्ड शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से जुड़वाने के लिए बिंग हेल्पर फाउंडेशन पूरे बिहार में यात्रा कर रहा है। इस यात्रा में बिंग हेल्पर फाउंडेशन बिहार के 38 जिलों के 534 ब्लॉक का भ्रमण करने वाले हैं। फाउंडेशन हर एक पंचायत में जाकर लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा का महत्व बताएगा और इस मुहिम में उनसे सहयोग मांगेगा। पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता से अनुशंसा पत्र भी लेगा, जिसे मांग पत्र के रूप में सरकार को सौंपा जाएगा। इसी यात्रा की पहली कड़ी में फाउंडेशन के सदस्यों ने सहरसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर वहां के जनप्रतिनिधि और आम जनता से अनुशंसा पत्र लिया और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, हम लोग बिंग हेल्पर फाउंडेशन से हैं। बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जी हाँ, बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ही नहीं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप में बिहार बोर्ड में ये सब्जेक्ट जुड़े, उसके लिए हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और बिहार के पूरे 534 ब्लॉक में हम लोग जाके वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उन सभी से हम एक अनुशंसा पत्र पर साइन ले रहे हैं। और ये पूरे इंडिया के इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल पे ये साइन कैंपेन किया जा रहा है। और ये साइन का जो लेटर है, तकरीबन 5 लाख लेटर जो है, हम लोग एक साथ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं उनको हम लोग सबमिट करेंगे कि पूरे बिहार का मांग है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा जुड़ जाए। क्योंकि CBSE बोर्ड में है और अन्य और भी बोर्ड में है, मगर बिहार बोर्ड में क्यों नहीं? 1,87,00,000 बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 1,43,00,000 बच्चे के पास डिजिटल नॉलेज है ही नहीं। मीन्स दे डजेंट नो हाउ टू यूज़ यूट्यूब फॉर एजुकेशन पर्पज़। यूट्यूब को एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। और अभी के समय में डिजिटल एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इसके लिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं।